तो नहीं कह सकता कि पार्टी मुश्किल दौर से गुजरती है। राजनीतिक समीकरण तो बदलते रहते हैं, गठजोड़ होते रहते हैं, लेकिन हम वैचारिक तौर पर चौधरी देवीलाल जी की नीतियों का अनुसरण करने वाले लोग हैं, तो पूरी तरह से आज पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। और जो कोई रास्ता भटक गए हैं, मुझे यकीन विश्वास और भरोसा है कि वो साथी नए सिरे से फिर वापस हमारी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। बीएसपी गठबंधन को भी फर्क पड़ेगा, गठबंधन टूटने बीएसपी से गठबंधन टूटने से किस तरीके का फर्क मानते हैं, कुछ फर्क किस तरीके? यही प्रश्न पलट के मैं आपसे पूछूंगा कि बीएसपी के और हमारे गठबंधन के बाद पहला बाई इलेक्शन जींद में था, उसके परिणाम आपने देख लिए, तो बीएसपी के साथ गठबंधन से हमें कोई राजनीतिक लाभ मिला क्या? राजनीतिक परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं थ्रू आउट कंट्री। आज लोग वैचारिक तौर पर ये मान के चलो कि जितनी भी सरकारें बनी हैं इस देश के जो अच्छे कर्णधार हैं, हमारा देश तो कृषि प्रधान देश है, इस देश की अर्थव्यवस्था केवल कृषि पर जुड़ी हुई है और आज कृषक की हालत सबसे ज़्यादा दयनीय है। किसान जब आर्थिक तौर पर कमज़ोर होगा तो फिर स्वाभाविक है मजदूर का नुकसान होगा, दुकानदार का नुकसान होगा, कारखानेदार का भी नुकसान होगा। इसलिए चौधरी देवीलाल जी की जो सोच थी, जो एक नीति बनी हुई थी, तो वैचारिक तौर पर इस बात के पक्षधर थे कि आम नागरिक की मूलभूत जरूरियात पूरी हो, रोजी रोटी कपड़ा मकान शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंध सरकारी तौर पर हर नागरिक को मिले, ये उनकी इच्छा थी। और हमारी पार्टियों का अनुसरण करते हुए ये चाहते हैं इस प्रकार के हालात पैदा हों ताकि उनके स्वप्न हम साकार कर सकें। आप प्रदेश के दौरे पे अब जाएंगे क्या? क्योंकि लोगों का इंतजार, कई समर्थकों के द्वारा भी इस तरह का इंतजार है कि शायद आप उनके जिले में आएंगे, कोई बैठ के रहेंगी, मिलना चाहने वाले कई कार्यकर्ताओं की ऐसी बातें आ रही हैं। मैं तो सदा ही लोगों से जुड़ा हुआ रहता हूँ, ये पहली दफा आप ये बात पूछ रहे हैं कि आया हूँ जाऊँगा, मुझे जब भी मौका मिलता है मैं। सर एक सवाल जेजीपी पे जवाब दे ही दीजिए, क्योंकि उन्होंने नंबर दो पार्टी रही, आपने कहा कि भाई ठीक नहीं है, तमाम तरह की चीज़ें थी परिवार की, अब लगता है कि वो आप लोगों के वोट बैंक में सेंधमारी कर रहे हैं, किस तरह से है ये सेंधमारियाँ? तो राजनीतिक पार्टियों में होती रहती है, कोई नई बात है। हम शुरू से कांग्रेसी थे और कांग्रेस के खिलाफ चले गए, बीजेपी के साथ भी हमारी सरकार रही थी और उन विकट परिस्थितियों में हमने बीजेपी के साथ मिलकर के बीजेपी की सरकार केंद्र में बनाई थी। आज समूचे राष्ट्र के स्तर पर राजनीतिक गठजोड़ हो रहे हैं, हर नागरिक जो है मौजूदा शासन तंत्र से और कांग्रेस के शासन तंत्र से दुखी है, लेकिन उनको कोई विकल्प नहीं मिल रहा है, क्या करें, कहा जाए, गठबंधन ठीक से हो नहीं।